चलो दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं कि लोग क्या सोचते हैं पुरानी सरकार और नई सरकार के बारे में। चलिए दोस्तों, सामने मेरे भाई बैठे हैं, तो आज हम उनसे दो बातें करेंगे पुरानी सरकार और नई सरकार के बारे में। चलिए भाई साहब, आप बताएंगे क्या मुझे? मैं आपसे दो क्वेश्चन करूंगा, ठीक है? तो आपसे मैं दो क्वेश्चन करूंगा, तो आप बताएंगे उसके बारे में। आप पुरानी सरकार और नई सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? पुरानी सरकार और नई सरकार में तो भाई साहब यही अंतर है कि पुरानी सरकार को हम लोग भारत सरकार बोलते थे, और अभी जो है मोदी जी की सरकार उसको हम मोदी सरकार बोलते हैं। अच्छा, हाँ अच्छा, तो ये जो फालतू नालायक लोग बोलते हैं कि मोदी रोजगार दो, मोदी रोजगार दो, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भैया, ये सब बातें ना फालतू बातें हैं, ठीक है? फालतू में जो है सरकार को बदनाम करते रहते हैं। देखो यार, पहले की जो सरकारें रहती थीं, हैं, पहले क्या होता था, बोल रहे हैं मोदी रोजगार दो, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि फॉर्म की डेट आई, अपन ने फॉर्म भरा और दो महीने बाद पेपर ले लेते थे। भैया स्टूडेंट को पढ़ने का समय ही नहीं मिलता था। और अभी की मोदी जी की सरकार देखो भैया, हैं, जैसे आज अपन ने फॉर्म भरा है तो 2-2.5 साल बाद वो पेपर लेती हैं ताकि बच्चों को समय मिल जाए पढ़ने का। तो अब बताओ कौन सी सरकार अच्छी है? जो समय दे रही है वो सरकार अच्छी है कि तुरंत जो पेपर ले लेती है वो सरकार अच्छी है? हैं, आप ही बताओ। सही कहा आपने। हाँ, और एक क्वेश्चन और है, नॉर्मलाइजेशन से आप क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजेशन, हाँ। तो नॉर्मलाइजेशन तो भैया बहुत अच्छी बात है। देखो यार, सीधा सीधा सा फंडा है, जो अपना होशियार बंदा है वो ज़्यादा मार्क्स लेके आएगा, और जो अपना कम गधा बच्चा है वो कम मार्क्स लेके आएगा। तो इसका नंबर बढ़ा देंगे और इसका नंबर घटा देंगे, मतलब आप समझ गए होगे, सबका साथ सबका विकास, तो यही भैया पॉलिसी चल रही है। तो हम तो भैया बिल्कुल सही मानते हैं, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल भेदभाव नहीं है। देखो भाई, जो कमज़ोर है उसका नंबर बढ़ा रहे हैं, और जो ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी उसका नंबर कम कर दे रहे हैं, सबको एक साथ ला रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। आपका भी कहना सही है। हाँ। तो आपने देखा भाई लोगों कि इनकी सोच बहुत अच्छी है, इसलिए सबका साथ सबका विकास। संवाददाता झलकन के साथ कैमरामैन फलकन, आप देखते रहिए आखिर कब तक। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और इस वीडियो को हर भारतीयों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत।